यस स्टार्ट करते हैं आज बाइनोमियल थ्योरम। इसका मैं रिवीजन क्लास ले रहा हूं आपके साथ और ये क्लास आपको भी शेयर करूंगा। अब मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि ये क्विक रिवीजन क्लास है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिन्होंने बेसिक फाउंडेशन पूरा अच्छे से कवर किया है। यानी अगर आपका बेसिक अच्छे से कवर है तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप सब लोग चाहते थे कुछ टॉपिक के क्विक रिवीजन करूँ, तो वो क्लास भी आपके साथ शेयर करूँगा। अब इसमें पहला जो राउंड होगा, मतलब जैसे ये 2 या 3 क्लास में कोई टॉपिक रिवाइज होगा, तो फर्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूँगा कि आपको पहले बेसिक बताऊँ। जैसे आज बाइनोमियल थ्योरम का हम बेसिक ऑफ पॉजिटिव इंडेक्स और एनी इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ध्यान से समझना है, सुनते जाना है और साथ में लिखते भी चलना है। मैं बहुत स्पीड में करवाऊंगा, तो आप ये बात ध्यान रखिए, स्पीड का पर्पज़ यही है मेरा कि आप भी करें। आप लोगों में से कई लोग ये मुझसे पूछते हो कि सर हम लोग को टॉपिक रिवीजन में बहुत टाइम लगता है, तो मेरा ये सेशन का पर्पज यही है लाइव सेशन का कि आप समझें कि टाइम कम इसलिए लगता है क्योंकि आप कई चीज़ें वो भी पढ़ने लगते हैं जो आती है। तो सबसे पहले बुक बंद करो, पूरा प्रॉपर रिवीजन करो, ब्लैंक पेज पे लिखो। वही सेशन अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा जिससे आपके स्कोर्स एकदम से बढ़ेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और जो चीज़ें मैंने फाउंडेशन में करवाई आप देखेंगे उससे आप कोई भी एग्जाम्स में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, वह शर्त है कि वो अच्छे से कवर करें और इस रिवीजन का बेनिफिट लें। इसमें मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक, कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट करो तो ABCC से स्टार्ट करो, यानी 2-3 फेज में कोई भी टॉपिक को कवर करना चाहिए। पहले उसका फाउंडेशन, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस ऑर्डर को फॉलो करोगे तो आपको फायदा होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ट्राई करूंगा कि आज बेसिक पूरा आपका कवर हो जाए जिसमें कि हम स्टैंडर्ड पॉजिटिव इंडेक्स और एनी इंडेक्स का बेसिक पढ़ें, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले हर जगह यूज होते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सिंगल टॉपिक, सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड टॉपिक है। और याद रखिएगा बाइनोमियल मतलब बाय मतलब टू। जैसे मैं अगर बोलूं a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा मैं पॉजिटिव इंडेक्स और एनी इंडेक्स का। ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब बात आती है a प्लस बी का क्यूब तो भी आप बोल देते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ऑफ बी क्यूब। एंड अगर मैं बात करूं a प्लस बी की होल पावर 4, तो आप बोलते हैं a पावर 4 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ती जाती करते जाते हो, पर ये स्मॉल पावर थी। अब मान लो पावर कभी 10 हो, कभी 20 हो, कभी 30 हो, तो हमको फिर जिस थ्योरम की जरूरत पड़ती है वो थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम। तो टू टर्म के एक्सपांशन का एक सिंगल फार्मूला है और इस सिंगल फार्मूले से पूरे क्वेश्चंस कर लोगे। तो हम क्विक रिवीजन के साथ क्वेश्चंस करेंगे, तो एक ही फार्मूला नोट कर लीजिए और इससे आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और क्या क्या इसमें पूछा जाएगा वो सब भी बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ए प्लस बी की होल पावर एन। तो याद रखिए इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का यूज होता है जिसे हम बोलते हैं NCR। NCR इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r। ये सभी को सॉल्व करना आता ही है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि NCR इक्वल टू NCn माइनस r। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि 10C3 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10C7 के। एंड रिमेंबर NC0 और NCn इक्वल टू 1 एंड NC1 इक्वल टू n। कैलकुलेशन के लिए जो NCR का फॉर्मूला, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो बेसिक जरूर रिवाइज करो। जब भी NCR के लिए अगर कैलकुलेशन फॉर्मूला कोई है तो कौन सा यूज करेंगे, n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अप टू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r। तो अगर मान लो मैं बोलूं कि 10C3 को सॉल्व करो, तो सिंपल 10 9 8 अपॉन इस नंबर से 1 तक, तो आप फैक्टोरियल से बच जाएंगे। या कभी मैं बोलूं 12C4, तो सिंपली आप बोलेंगे 12 11 10 9 अपॉन 4 3 2 1। यस और नो? या मैं आपसे बोलूं कि 18C6, तो स्टार्ट फ्रॉम 18 17 16 15 14 एंड 13 अपॉन 6 5 4 3 2 एंड 1। क्लियर है बात? अब
बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं a प्लस बी की होल पावर n का। तो a प्लस बी की होल पावर n इज, याद रखिएगा, स्टार्ट होगा एन सी जीरो से। एक सिंगल फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। अभी आप देखो a प्लस बी है, फर्स्ट टर्म में स्टार्ट होगा a की पावर हाईएस्ट से और b में r वाली पोजीशन पे जो टर्म आ रहा है, यानी आप बोलोगे a पावर n देन इज एन सी वन ए पावर b की पावर जो r के प्लेस पे, जैसे यहाँ पर भी b की पावर यहाँ पर भी b की पावर जीरो आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म आप बोलोगे एन सी टू ए पावर n माइनस टू बी की पावर टू, ऐसे चलते चलते एन सी, बीच में मान लो मैं एक लिखना चाहूँ तो एन सी आर ए पावर n माइनस आर बी पावर r एंड लास्ट इज एन सी एन ए पावर n माइनस एन एंड बी पावर n। आप कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए और इस फॉर्मूले को टॉप पे लिख देते हैं, आप देखोगे हर क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से आपसे सॉल्व होगा। अब नंबर वन थिंग, और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है, फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें a प्लस बी की होल पावर n का, तो a प्लस बी की होल पावर n में मान लीजिए इसको सॉल्व करें तो कुछ ऐसा निकल के आएगा a प्लस बी होल पावर n, एन सी जीरो वन बी पावर जीरो वन। तो स्टार्ट नॉर्मली a पावर n से हम कर सकते हैं, फिर एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन, एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी की पावर टू, राइट, एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री बी पावर थ्री। इतना अच्छा टॉपिक है और मिनिमम कंसेप्ट पे हर तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे, इवन आईआईटी के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बी पावर आर अप टू, बोलो अब इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, बचा क्या, तो इसका मतलब हमेशा स्टार्ट होगा ए पावर एन से, ए की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी, बी की पावर इंक्रीजिंग में, पर कभी भी किसी भी समय पावर का सम इक्वल टू एन होना चाहिए। मान लो सिक्स है तो सिक्स देखो ये एन ही रहेगा हमेशा, ये बाइनोमियल थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे चल के आपको क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो मैं उसका एक आइडिया देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। पहले ये फॉर्मूला समझ में आ गया, अब इस फॉर्मूले से ही हम सारे फॉर्मूले बनाएंगे। कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि a माइनस बी की पावर n हो तो क्या होता, तो बोलूंगा अलग से याद मत करो, बल्कि आप इसको ऐसा लिखो a माइनस ए प्लस, अब जहां जहां b आ रहा है वहां पर b के प्लेस पे माइनस बी पुट कर दो, तो जहां जहां माइनस पुट करोगे तो ये हो जाएगा a पावर n। अब ऑड नंबर पर जब भी r की प्लेस क्या है ऑड, तो माइनस जाएगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो, पर बनाना यही है, याद एक ही फॉर्मूला रखना है, केवल एक फॉर्मूले से ही पूरे क्वेश्चन करोगे और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो a पावर n, फिर बोलो कितना, माइनस एन सी वन ए पावर n माइनस वन बी पावर वन प्लस एन सी टू ए पावर n माइनस टू बी पावर टू, ऐसे चलता, फिर माइनस आएगा, फिर एन सी थ्री ए पावर n माइनस थ्री बी पावर थ्री, है ना, फिर एन सी आर ए पावर n माइनस आर माइनस बी की पावर आर लिख दो। इवन ऑड क्या होगा वो नहीं पता, जनरल बात कर रहे हैं, तो माइनस बी की पावर आर एंड लास्ट टर्म तक जब हम जाएंगे तो माइनस बी की पावर, यानी आपको सेपरेट फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। इसी फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चंस के टाइप भी बताऊंगा, पॉजिटिव इंडेक्स फिर एन इंडेक्स पाएंगे, ये क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो भी फॉर्मूले बहुत काम में आते हैं, पर वो जब करेंगे जब थोड़ा एक बेसिक क्वेश्चंस का कंसेप्ट बता दूं कि आपसे पूछा क्या जाएगा। राइट डाउन वन क्वेश्चन, बेसिक से पढ़ो, एक एक चीज समझो, मैं फिर आऊंगा इन फॉर्मूले पे, इनको एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ नए फॉर्मूले मिलेंगे, पर पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप एक क्वेश्चन लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय एक्स टू द पावर फाइव, फाइंड एक्सपांशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय एक्स की होल पावर फाइव, पूरा कंप्लीट एक्सपांशन करिएगा, क्या आएगा देखते हैं जरा। तो जब आप इसका एक्सपांशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये a है और ये दिमाग में रखिए, फर्स्ट टर्म को a बोले, सेकंड को b, बिल्कुल जितना मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं करिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ, पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा क्योंकि एग्जाम टाइम है आप मेंटली जितना वर्क करें। पहला आएगा एक्स स्क्वायर की पावर 5, फिर आएगा 5c1, आगे चल के इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखना, एक्स स्क्वायर की पावर 4 2 बाय एक्स की पावर, बोलो
1 and then next term is 5c2 x square ka power 3 2 by x ka power 2 plus 5c3 x cube x square power 2 2 by x ka power 3 plus 5c4 x square power 1 into 2 by x ki power और लास्ट टर्म चाहो तो ये लिखो, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। अब समझिए मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे सॉल्व करना है और एक फॉर्मूले पे कैसे हम टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे अच्छी ट्रिक्स होती है कंसेप्ट, स्ट्रांग कंसेप्ट होंगे तो हर ट्रिक आ जाएगी। अब बोलो ये कितना, एक्स पावर 10, 5c1 इज 5, ये 2 है तो आप डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं और इंटू एक्स की पावर 8 अपॉन तो x की पावर 7। फिर नेक्स्ट टर्म जो होगा तो 5c2, 5 इंटू 4 अपॉन 2 यानी 10 इंटू 4 40, x का पावर 6 अपॉन x स्क्वायर, x इस फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन अभी। नेक्स्ट टर्म 5c3, 5c3 इज अगेन 10 इंटू 2 क्यू 8 तो 80 x पावर 4 अपॉन x क्यूब मीन्स x। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा 5c4, 5 यहां बचेगा x स्क्वायर 2 की पावर 4 यानी 16 अपॉन x पावर 4 अगेन 80 x का पावर अपॉन x का पावर 2 माइनस 2 या अपॉन लिख दो। नेक्स्ट टर्म जो होगा 5c5 1 ये भी 1 2 की 32 अपॉन x की पावर। अब आप लॉजिकली समझिए ये एक्सपांशन आया। अब आपको कभी भी एग्जाम में पूरा एक्सपांशन नहीं करवाएंगे, पर ये मैंने क्यों करवाया रीजन बताता हूँ। नंबर वन, इससे कई सारे कंसेप्ट सीखोगे आप, जैसे जो भी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म उससे हमेशा एक ज़्यादा होता है। जैसे पावर n है तो मैं अगर बात करूँ नंबर ऑफ टर्म की तो कितने, ऐसा क्यों, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से लेके कहाँ तक, n तक, तो जीरो से एन तक हो रही तो एन टर्म ये और एक टर्म ये। अगर मैं फिंगर काउंट करूं 0, 1, 2, 3, 4 तो फिंगर 5 ही है, वही सेम बात। अभी आपने देखा पावर 5 है तो टोटल टर्म 6, तो कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ टोटल टर्म क्या होंगे, तो आप बोल सकते हो 6। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक हुआ। फिर इसके अलावा आपसे ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, पढ़ना क्या बता रहा हूं, फिफ्थ टर्म एंड। अब आपसे हो सकता है कि वो थर्ड टर्म पूछे, हो सकता है फिफ्थ टर्म पूछे, तो आपको पूरा एक्सपांशन हरवा नहीं करना, अभी हम उसके आगे के फॉर्मूले जनरेट करेंगे। पर अगर थर्ड टर्म बोला तो आपका आंसर ये होगा, अगर आपसे फोर्थ टर्म बोला तो आपका आंसर ये होगा, सिक्स्थ टर्म बोला तो आपका आंसर ये होगा। इज दैट क्लियर, राइट? अगर आपसे सेकेंड टर्म बोला तो ये हो गया, टाइप नंबर वन हुआ, तो आपसे नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ टर्म पूछ सकते हैं। नंबर वन, फाइंड द सिक्स टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म। ठीक है, कैसे निकालना उसके लिए हम अभी जनरल फॉर्मूले पे आएंगे। सेकेंड चीज क्या पूछ सकते हैं आपसे, कोफिशियंट पूछ सकते हैं कि कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 10, क्या बोलोगे आंसर, 1। कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 7, कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 4, कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर माइनस 2, ये सेकेंड चीज पूछ सकते हैं। अब कोफिशियंट भी बताना तो पूरा एक्सपांशन नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे हम कि कोई अभी फॉर्मूला बताऊंगा इसके लिए डायरेक्ट, वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम बता सकते हैं। नंबर ये होगा इससे थर्ड, हो सकता है इसमें ग्रेटेस्ट टर्म पूछे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब पूरे एक्सपांशन में कौन सा टर्म है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अगर अभी देखें हम तो ये 80 है, तो कई बार दो न्यूमेरिकल टर्म होते हैं, कई बार एक ही होता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, क्योंकि अभी एक्स पर भी डिपेंड करता है। अभी हम देखें तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म कैसे हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो इस तरह के आपसे नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल कंसेप्ट समझें कि अगर एक्सपांशन का कंसेप्ट क्लियर है तो आप आगे की सब चीज़ें बता सकते हो। तो नंबर वन, पहले एक्सपांशन क्लियर होना चाहिए। तो एक्सपांशन का फॉर्मूला एक बार फिर समझो, ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री बी क्यूब अप टू बी पावर एन, ये जो टर्म है इसे बोलते हैं हम जनरल टर्म। आगे के सारे कंसेप्ट इससे बनने वाले हैं, राइट? क्योंकि इस टर्म से हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे, कोफिशियंट निकालेंगे, इवन जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है 90% काम यही करेगा हमारा। अब ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट, ये कौन सा टर्म है, सेकंड, ये कौन सा टर्म है, थर्ड है पर यहां लिखा क्या, टू, ये कौन सा टर्म है,
फोर्थ, बिकॉज काउंटिंग जीरो से स्टार्ट है, तो ये कौन सा टर्म होगा अगर आर लिखा है, आर प्लस वन टर्म। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, लिखिए जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी होल पावर एन, जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी होल पावर एन। तो जनरल टर्म क्या हुआ, टी आर प्लस वन, जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी होल पावर एन इज सिंपल। फिर इसके बाद आप जो भी रिलेटेड एग्जाम दे रहा हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, अपने आप बन जाएंगे। तो एनसीआर ए पावर एन माइनस आर बी पावर बोलो आर, ये हमारे लिए सबसे यूजफुल फॉर्मूला है। अभी मैं इस पर वापस भी आऊंगा, एनसीआर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। अब सपोज आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिया, यही वाला क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन को मैं पूछूं कि फोर टर्म निकालो, तो आपने अभी निकाल कर रखा ना 80, पहले वो क्वेश्चन करो जिनके आंसर्स आपको पता है, बुक से क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, रिवीजन हमेशा बुक बंद करके करो। तो फोर टर्म बोला गया है तो क्या किया जाएगा, 3+1 लिख दो, जो भी टर्म बोला जाए उसमें एक कम लेके चलना, उसमें एक कम लेके चलना। तो फोर टर्म बोलो 3+1, तो बोलो कितना हो जाएगा, 5c3, जो r है ये r हो गया। फर्स्ट टर्म में हमेशा इन दोनों की पावर का क्या आता है, डिफरेंस, सेकेंड टर्म हमेशा सेम पावर के साथ मिलता है। तो देखिए 5c3 कितना हो गया, 5 × 5c2 यानी 10, 5 × 4/2 10, x पावर 4, 8/x³, फाइनली 80x। यस और नो, एक आइडिया दिया मैंने आपको कि आप पढ़ क्या रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल में पढ़ना क्या होता है और किन किन चीज़ों से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, नोट करते हो, चलो ये क्लियर है। तो पहले हम कुछ पर्टिकुलर टर्म निकालना सीखते हैं, फिर जैसे आपसे कोफिशियंट सीखेंगे, मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म, ये एक पार्ट है, बस यही वाला पार्ट है जो आपको समझना, अच्छे से आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अब जैसे सपोज क्वेश्चन है, फाइंड करिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है मान लो एक्स स्क्वायर या कुछ x³ प्लस 1/x² पावर 11, फाइंड 6 टर्म। तो क्या हो जाएगा, 6 टर्म बोलो, फाइंड 6 टर्म, तो क्या करोगे, 5+1, तो क्या होगा, 11c5 x³ की पावर, इन दोनों का डिफरेंस बोलो 6 एंड 1/x² पावर। अब इसके बाद सॉल्व कर लेना है, सॉल्व भी कितना करना है ये डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन पे। आप ऑप्शन देख लो एक बार और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, नॉर्मली पूरा सॉल्व करा मिलेगा बट फिर भी कभी कभी ऑप्शन इस टर्म में भी देते हैं, तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्लियर है बात, वन मोर क्वेश्चन। और ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि हम इसी फॉर्मूले से सारे कंसेप्ट बनाए। मान लीजिए क्वेश्चन है 2x - 1/3x⁻¹⁸, फाइंड सिक्स टर्म, क्या होगा सिक्स टर्म। अब सिक्स टर्म बोला है तो बोलिए क्या लिखेंगे, 5+1। अब ये क्लियर है बात, सिक्स टर्म बोला है तो 5+1, तो बोलो क्या हो जाएगा, 18c5 × 2x⁻¹³ −। अब देखो मैंने आपको माइनस का अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाया, मैं हमेशा मानता हूं एक सिंगल फॉर्मूले से ही कंसेप्ट डेवलप करने, और इसी से आप धीरे धीरे सारी टेक्निक सीख जाएंगे। क्लियर, इसको सॉल्व आप करते हुए चलेंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन दिया हो x²-2/x⁻¹⁸, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब एंड से फोर्थ टर्म बताना है। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो बिगिनिंग के लिए पढ़ा है, पर आपको बताना कौन सा है, एंड से फोर्थ टर्म बताना है। अब उसकी दो टेक्निक्स हो सकती हैं अलग अलग, नंबर वन कि pth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए भी फॉर्मूला हमारे पास, pth टर्म फ्रॉम द एंड वो था n-p+2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एक लॉजिक ये हुआ। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड,
तो लॉजिकली समझना, एन कितना है 18, तो 18 माइनस 4 प्लस 2 यानी कितना हो गया 16, तो एंड से कौन सा टर्म हुआ 16। अब लॉजिक से भी समझना कि कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। मैं आपको अलग अलग टेक्निक्स बता रहा हूँ। इसमें टोटल कितने टर्म मिलेंगे, तो लास्ट टर्म क्या होगा 90, फिर उसके बाद फिर कौन सा, तो जो एंड से पूछा देखो स्टार्टिंग से कौन सा है, इस फॉर्मूले से भी बता दिया। दूसरा, इस क्वेश्चन को हम रिवर्स ही कर लें, रिवर्स ही कर लें मतलब बता रहा हूं, पहले तो अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालता 16 टर्म तो क्या होता, 16 मतलब 15 प्लस 1, यस और नो, 16 मतलब 15 प्लस 1, सिंपल तरीके से पढ़ो, उलझना नहीं है, बेसिक क्लियर करो अच्छे से। तो बोलो क्या होगा 18c 15, एक्स स्क्वायर की पावर, बोलो इनका डिफरेंस 3, माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर, यही लिखते यस और नो। एक चीज, अब मैं इसको अगर सॉल्व करता तो ये माइनस तो आ ही जाता, कितना आ जाता 18 माइनस 18c 15, एक्स पावर बोलो 6, 2 पावर अपॉन एक्स पावर। तो एंड से कभी भी पूछा जाए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एंड से, तो अब एक तरीका तो ये हुआ कि n माइनस पी प्लस 2 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इफ पी टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, जब भी मैं कोई फॉर्मूला बोलूं तो याद रखना इसके लिए बता रहा हूं। दूसरा, आप काउंट करके बता सकते हो। तीसरा तरीका है, यह है कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लें, क्वेश्चन को ही रिवर्स ऑर्डर में कर लें, मतलब ये ए बी है, हम इसे पी ए कर लें और फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोला है, तो हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ। अच्छा, पावर इवन है इसलिए निगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऑड होती तो मैं बाहर माइनस भी लगा देता। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसका फोर्थ टर्म बताओ, देखो लॉजिकल तरीके से पढ़ोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, सबसे अच्छी ट्रिक यही होती है। तो आप बताओ मुझे क्या होगा, आप क्या लिखते 18c 3, 2 बाय एक्स की पावर 15 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ओवरऑल ये पावर निगेटिव है, ऑड पावर है, तो क्या लिखते माइनस 18c 3, 2 पावर 15 अपॉन एक्स पावर 15 इंटू, देखो ये और ये रिजल्ट सेम है। तो अब आपके पास एक टेक्निक आ गई कि जब भी एंड से बोला हो टर्म तो आप ए बी की जगह बी ए कर दो, आप वो फॉर्मूले भी याद आपको रखना नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर, नोट डाउन। क्लियर है बात, बस इसमें एक ही चीज याद रखना कि अगर आगे माइनस, मान लो पावर ऑड होती, मान लो थोड़ी देर के लिए 19 होती, तो हमें एक माइनस भी बाहर लगाना होता और फिर ओवरऑल रिजल्ट भी निगेटिव आ रहा होता, तो वो डिपेंड करता है। तो अब आप pth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए या तो ये फॉर्मूला याद रखो, या रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग कर लो, या फिर बी और ए करके किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर टर्म को निकालना हो तो एक तरीका ये हुआ, राइट। रिविजन है इसकी, ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन की जगह सारी चीज़ कवर कर लें, वो इंपॉर्टेंट है। लिखिए नेक्स्ट, कोफिशियंट कैसे निकालते हैं। अब सपोज मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर सपोज 32, एंड आपसे पूछा जाए फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 15, कुछ भी दे सकता हूं मैं आपको जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं, एक्स पावर 18, हो सकता है आपसे इंडिपेंडेंट टर्म बोले, इंडिपेंडेंट टर्म या कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म मतलब समझते हो, कॉन्स्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म मतलब जिसमें एक्स कंटेन नहीं कर रहा है। तो अब ये कैसे निकालते हैं, पहले मेथड फिर इसकी प्रॉपर ट्रिक कि कैसे हम इसमें कांस्टेंट टर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें, तो देखिए एक चीज समझिएगा कि अगर मैं इसमें आपसे बोलूं कि कांस्टेंट टर्म निकालो, तो कांस्टेंट टर्म कैसे निकालेंगे, एक्स पावर 15 कैसे एक्स पावर 18, तो करने का तरीका होता है हम इसको जनरल टर्म मान के ही करते हैं, मतलब कि लेट कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 15 इज कंटेंट टी आर प्लस 1 टर्म, करते सब इसी से, राइट। अब क्या लिखोगे आप 32 सी आर, पहले कंसेप्ट समझ लो, 32 माइनस आर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर, अब सारे एक्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, यानी 32 सी आर एक्स पावर 96 माइनस 3 आर एक्स की पावर
यानी फाइनली कुछ आपको ऐसा मिलेगा 32 सी आर एक्स पावर 96 माइनस, और हो सकता है ए बी में कोई वैल्यू हो तो वो आ जाएगा। अब जो भी बोला जाए, चाहे एक्स पावर 15 का क्वेश्चन हो, चाहे एक्स पावर 20 का हो, चाहे कॉन्स्टेंट टर्म का हो, चाहे वॉट एवर जो भी हो, सबका एक ही रूल है कि जो पावर बोली है उसको इससे कंपेयर करवाना है। मान लो 15 बोला है तो आप लिखोगे 96 माइनस 5R इक्वल टू 15, देयर फोर 5R इक्वल टू 81, R इक्वल टू 81 बाय 5। अब एक इंपॉर्टेंट बात, R कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता क्योंकि R टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कभी R फ्रैक्शन में आ जाए, अगर R कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो सिंपल उसका आंसर कोफिशिएंट ऑफ का हमेशा जीरो होता है, मतलब एक्स वो टर्म कंटेन ही नहीं कर रहा। मान लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 16 पूछा होता आपसे, तो क्या करते? तो आप 16 से कंपेयर कर देते, नहीं समझे? तो आप 16 से करते तो क्या होता बोलो? 5R इक्वल टू 80, तो R इक्वल टू 16, R की वैल्यू 16 आ गई, तो टर्म कौन सा हो गया वो, यहां रख दो 16, तो हाँ तो 16 प्लस 1 दिस इज 17 टर्म, 17 टर्म मतलब 32 सी 16, बाकी यहां रखोगे तो वो तो सॉल्व होके वही मिलेगा, उसी का कोफिशिएंट पूछा, ये आ गया। मान लो आपसे कांस्टेंट टर्म पूछा होता तो क्या करते? जीरो से इक्वेट कर देते, राइट? आपसे 18 पूछा होता आप 18 लिख देते, और बस एक ही बात याद रखना है, फ्रैक्शन आए तो जीरो और नॉन फ्रैक्शन आए तो वो टर्म। ये तो हुआ प्रॉपर मेथड, पर इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हो। कैसे? वो एक कंसेप्ट लिख लो, बहुत काम आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जेड इन द एक्सपांशन ऑफ, साथ में लिखते भी चलो क्योंकि हमको रिवीजन अच्छे स्पीड में ही करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जेड इन द एक्सपांशन ऑफ ए एक्स पावर पी प्लस बी एक्स पावर क्यू होल पावर एन इज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जेड इन द एक्सपांशन ऑफ ए एक्स पावर पी बी एक्स पावर क्यू होल पावर एन। अब मान लो इसमें आपको कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या करेंगे? तो सिंपल याद रखिएगा, जिसका भी पूछा जेड इक्वल टू एन माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर, एंड रिमेंबर आर की वैल्यू टी आर प्लस वन में पुट करिएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जेड इन द एक्सपांशन ऑफ ए एक्स पावर पी प्लस बी एक्स पावर क्यू होल पावर एन इज एन माइनस आर इंटू पी प्लस ऑफ क्यू आर, राइट? फाउंडेशन क्लियर होगा, हर टॉपिक कर लोगे, हर चीज कर लोगे, बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे करोगे? इसलिए ट्रिक नहीं, टॉपिक का कंसेप्ट बनाओ। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से अप्लाई करना होता क्या करते हैं हम? अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जेड की ही बात कर रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो जेड इक्वल टू बोलो एन माइनस आर इन टू पी, ये ऊपर जाएगा पावर, तो क्यू माइनस टू है तो माइनस टू आर, तो फाइनली 96 माइनस देखो 5R, सेम वही रिजल्ट बना। तो जो आप रिजल्ट इससे वही बनता, उसी फॉर्मूले से कंसेप्ट बना हुआ है। तो आपको ट्रिक भी मैं बताऊंगा तो ऐसा लॉजिक के साथ कि कभी भूल जाओ तो पता हो, तो बनेगा वही रिजल्ट, पर अब आप इससे आर निकाल सकते हो। अब मान लो आपसे इंडिपेंडेंट बोला तो जीरो लिख दोगे, 10 बोला है तो 10 लिख दोगे, 18 बोला है तो 18 लिख दोगे, 12 बोला है तो 12 लिख दोगे। क्लियर? नोट करो। यस, कुछ कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं और वो आपको बनना चाहिए। लेकिन जैसे 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 6, 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 6 टू द पावर 9, 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 6 टू द पावर 9, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 17, एक्स पावर 17 का कोफिशिएंट बताना है। क्या करेंगे आप? टेक्निक जो मैंने बताई वो यूज करो। 17 इक्वल टू बोलो, यहां ध्यान दो, n माइनस आर इंटू 1, अब ये पावर न्यूमरेटर में ही है तो प्लस होगी, तो प्लस बोलो कितनी? प्लस 3R, यानी 17 इक्वल टू 9 प्लस 2R, तो 2R इक्वल टू 8, R इक्वल टू 4। अगर टर्म पूछा होता, कई बार टर्म पूछते, तो टर्म हुआ 4 प्लस 1 कौन सा?
फिफ्थ वैल्यू ऑफ टर्म बोलिए तो फिफ्थ टर्म निकालना आपको आता है, बोलो क्या हो जाएगा, 9c4 3 की पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स की पावर माइनस 1 बाय 6 की पावर बोलो 4, यस और नो, एक्स नहीं आएगा क्योंकि वो तो कोफिशिएंट ही बता रहे हो, तो 9c4 यहां 5 आएगा, यस, तो 3 पावर 5 एंड अपॉन 6 की पावर 4, और 6 की पावर 4 को भी क्या लिख लेना आप, 3 की पावर 4 इंटू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9c4 3 अपॉन 16, इसको भी सॉल्व कर लेना और डिपेंड ऑन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स की पावर 15 फाइंड रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 15 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म। कई बार इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 15 और कॉन्स्टेंट टर्म का रेशियो बताना है, तो दोनों के अलग अलग निकाल के आप रेशियो बता सकते हैं बहुत इजीली। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 15 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा, सिंपल कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 15 मीन्स वही सेम फॉर्मूला, जेड इक्वल टू हम लिखते हैं, बोलो एन, बार बार ऐसे बोला करो याद रहेगा, एन माइनस आर, ये लिखना नहीं है आगे से, स्टेप टू का मल्टीप्लाई कर देना, माइनस आर, माइनस आर क्यों, एक्स ऊपर चला गया तो निगेटिव हो गया, अब यहां पर जो भी बोला जाए वैसे ये लिख लो, कितना हो जाएगा 30 माइनस 3r। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 15 के लिए, तो 3r इक्वल टू 15, तो r इक्वल टू बोलो 5, यानी न्यूमरेटर में जो आएगा वो लॉजिकली 6 टर्म हुआ, कॉन्स्टेंट टर्म मतलब किससे इक्वेट करोगे, जीरो से, जब जीरो से ये स्टेप्स नहीं लिखनी है, सबसे अच्छी ट्रिक होती है स्टेप सेविंग, तो r की वैल्यू बोलो कितनी 10, तो नीचे कौन सा टर्म, लॉजिकली 11, बस इतना सा करना है, आप देखो बोलो ये क्या हो जाएगा 15c5 है ना, यहां तो 1 1 है, 2 की पावर बोलो अपॉन 15c10 2 की पावर। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ncr इक्वल टू ncn माइनस r, ये दोनों की वैल्यू सेम, ये कैंसिल, तो 1 अपॉन 32 इज अ राइट आंसर, इज दैट क्लियर। तो यहां पर एक चीज समझना सबसे पहले, कि यहां पर आपने पहले, ये तो जनरल कंसेप्ट है, आप कोफिशिएंट ऑफ 15 और कांस्टेंट टर्म का रेशियो आपसे फाइंड करने को बोला है, कोफिशिएंट ऑफ 15 तो 15 से इक्वेट किया, कांस्टेंट टर्म तो 0 से इक्वेट किया, तो एक बार आ रहा आया 10 और एक बार आ रहा आया 5, तो बस उनके रेशियोज पूछे हैं आपसे। ये क्लियर है बात, तो इस तरह से आपको कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं मिडिल टर्म की, तो जरा मिडिल टर्म लिखिए क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ मिडिल टर्म। अब जब मिडिल टर्म की बात की जाएगी, अगर सिंपल सा पोर्शन है, तो एक चीज समझिए कि मिडिल टर्म मतलब अब डिपेंड करता है एक्सपांशन टर्म पे, अगर 5 फिंगर है तो आपको पता है मिडिल कौन सी है, पर 10 है तो फिर 2 मिडिल फिंगर हो गए, सेम थिंग, कि पावर क्या उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो a प्लस बी की पावर n में अगर पावर इवन है तो टोटल टर्म मिलेंगे ऑड, तो 1 मिडिल टर्म होगा, पावर ऑड है तो टोटल इवन टर्म मिलेंगे तो 2 मिडिल टर्म हो जाते हैं। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हो कि इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म इज n बाय 2 प्लस 1th टर्म, इफ n इज ऑड, मान लो n ऑड है तो मिडिल टर्म बोलो एन प्लस 1 बाय 2 एंड इनके कोफिशिएंट की वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना। तो कभी आपसे मान लो पूछ ले कि 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर पावर 15 फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म, तो आप मुझे बताओ कि पावर ऑड है तो कौन कौन से मिडिल टर्म होंगे, मिडिल टर्म इस समय 2 होंगे, कौन कौन से, 15 प्लस 1 बाय 2 यानी 8 एंड 9, ये कॉन्जुगेटिव होंगे, यस और नो। अब 8 मतलब आर कितना लोगे, 8 टर्म कैसे निकालोगे, 7 प्लस 1 यानी 15c7 ए बी तो लिखोगे, और ऐसे ही जब मैं 9 टर्म लिखूंगा 15c, इनकी वैल्यू न्यूमेरिकल कैसे होगी, सेम, तो कोफिशिएंट की वैल्यू सेम होती है बट ए और बी से ओवरऑल वैल्यू
डिफर कर सकती है। ये ध्यान रखना कि कोफिशियंट हमेशा सेम होंगे, वो पक्का है, और मिडिल टर्म हमेशा कॉन्जुगेटिव ही होंगे। और कब होंगे? ऑड पावर पे 2 और इवन पावर पे, मान लो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 3 - 2x 2 by x टू द पावर सपोज 18, तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाता? 18/2, 9+1 10 टर्म, यानी 9+1। इस समय एक ही मिडिल टर्म होगा, सिंगल मिडिल टर्म होगा। क्लियर हो नॉट? जो आपने बोला ना, देखो आप बोल रहे हो कि ये दो टर्म जो आएंगे इनका ओवरऑल रिजल्ट अलग आएगा। मैं कह रहा हूं केवल कोफिशियंट के वैल्यू सेम होती है, ओवरऑल रिजल्ट तो ए और बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। आप समझो बेटा, अगर मैं बोलूं कि 7+1 तो आप बोलते 15c7 2 की पावर 8 3x² पावर 7, पर जब मैं लिखता 9 टर्म तो 15c8 2 की पावर 7 3x² पावर। अब ये केवल सेम है, पर जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल वैल्यू अलग अलग दिखेगी, पर हमें ये दोनों ही मिडिल टर्म बताने होंगे, और इस केस में एक। यस हाँ वही तो जब एन ऑड हो तो टोटल इवन टर्म होंगे, उस केस में दो मिडिल टर्म मिलते हैं। एन इज ऑड, एन जब ऑड है तो टोटल इवन टर्म मिलेंगे, जो आपने बोला 16, तो अब 16 में बीच का कौन सा? अगर घर में 16 भाई बहन है तो दो होंगे, इसलिए ऑड के केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और इवन के केस में हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं n/2+1। क्लियर है बात? यस। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b होल पावर n। इस बात का क्या मीनिंग है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको जैसे जेई वगैरह में मिलेंगे क्वेश्चंस, सबसे पहले पूरे एक्सपांशन में जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होता है। तो कभी कभी एक भी हो सकता है, कभी कभी दो भी हो सकते हैं, वो सब डिपेंड किस पे करेंगे? ए बी और एन पे। तो अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात की जाए कभी भी, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैं बोलता हूँ कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म tr+1 है, इसका मतलब ये इसके अगले टर्म से भी बड़ा होगा और इसके पिछले वाले टर्म से भी बड़ा होगा। या इक्वल टू क्यों लगाया? हो सकता है इक्वल कॉन्जुगेटिव ही होंगे जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे, पॉसिबिलिटी। तो ये कंसेप्ट एक्चुअल में काम आता है, हम जो क्वेश्चन करते हैं वो एक कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, जैसे इससे लेके भी कर सकते हैं, tr+1 > tr, यानी tr+1 / tr > 1। इसका ट्रिक फॉर्मूला भी है, पर कई बार उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको लॉजिक बताऊँगा। अब tr+1 टर्म मतलब ऑब्वियसली क्या? ncr a^n-r b/nc। tr मतलब एक कम, a^n-r + 1 × b/, this is > 1। अब ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आएगा, ncr / ncr-1 = सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट हमेशा याद कर लीजिए। तो अगर कभी मैं बोलूं कि 10c2 / 10c, मान लो थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, 15c6 / 15c5, इनमें 1 का डिफरेंस हो तो डायरेक्टली लिख सकते हो n - r + 1/r। कितना हो जाएगा बोलो? 10/6, यानी आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, बहुत काम में आता है फॉर्मूला, ये पूरा कंसेप्ट भी यूज करना पड़ता है, कई बार क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा होता है, पर ओवरऑल कंसेप्ट यही है, वो ध्यान रखना है। तो यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये रिजल्ट ऐसा आता है, n - r + 1/r (ᴕ) जो मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना b/a। इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला, उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इससे ही करें, डायरेक्ट इससे करें, किससे? n - r + 1/r (ᴕ) b/a। बार बार बोलो n - r + 1/r (ᴕ) b/a, second term upon first term, एंड रिमेंबर यहां प्लस या माइनस जो भी हो तो भी यही लेंगे। n - r + 1/r (second term upon first term, इससे क्या मिलेगा आपको? r, इससे कैलकुलेट होगा r, और वो r
आप टी आर प्लस वन में रख के ग्रेटेस्ट टर्म बता सकते हैं। तो दो चीजें हैं, या तो ग्रेटेस्ट टर्म पूछेंगे और कभी कभी उसकी वैल्यू पूछेंगे, तो वैल्यू उसके बाद की स्टेप हो गई। क्लियर? आपने बोला लेट सपोज टी आर प्लस वन टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म, तो इसका जो वैल्यू है वो इसके किसी भी टर्म सबसे बड़ा वैल्यू होगा, पर हो सकता है क्योंकि अभी पावर है, जैसे हम ए प्लस बी का होल क्यूब जब करते हैं तो देखो क्या होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अभी अगर थोड़ी देर के लिए मैं सोचूं कि ए और बी वन वन है तो दोनों की वैल्यू सेम है, यस और नो? मान लो मैं आपसे बोलूं ए प्लस बी की होल पावर फोर करिए, तो आप बोलते ए फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी पावर फोर, यहाँ पर एक ही है। इन जनरल अगर देखें तो अक्सर ऑड पावर पे टू ग्रेटेस्ट टर्म निकलते हैं, इवन पे वन इन जनरल, बट नॉट नेसेसरी बिकॉज ग्रेटेस्ट टर्म में ए और बी का भी रोल होता है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि ये ग्रेटेस्ट टर्म है, पर मान लो इस टाइप का एक्सपांशन हुआ, तो हो सकता है इसका अगला टर्म या इसका पिछला टर्म बराबर भी है, इसलिए उसके अगले और पिछले टर्म को इक्वल लेके हमने फॉर्मूला जनरेट किया, समझ में आया? और उसको इस केवल इस कंसेप्ट से ही सॉल्व कर दिया, टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर, तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब इसकी वैल्यू रख दी वहां पे और सॉल्व कर लिया। ये रिजल्ट हमारे बहुत काम आता है, इस रिजल्ट को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये रिजल्ट आपके बाइनोमियल थ्योरम में बहुत यूजफुल है। जैसे मैं बोलूं एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर क्या होगा, अगर इसके साथ कर रहे होते तो ये रिजल्ट आता, तो फिर बोलो एन माइनस, अब मैं हमेशा इसको आर रीड करता हूं, आपके लिए लिख रहा हूं स्टेप, आप मत लिखो इसको, अपॉन तो क्या आता बेटा एन माइनस आर अपॉन। तो ये रिजल्ट अगर आपने याद कर लिया, ये सबसे काम का है, तो आप इसको रोटेट कर लेंगे। बस ध्यान ही रखना कि एन सेम होना चाहिए, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट भी पढ़ोगे वो भी बहुत आते हैं, और आर के प्लेस पे वन का डिफरेंस होना चाहिए तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे जैसे मैं बताता हूँ, लिखिए आप, मान लो आपको कभी क्वेश्चन दिया हो कि सपोज क्वेश्चन है फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 2 प्लस थ्री एक्स टू द पावर 18 व्हेन x इक्वल टू 1/6। सपोज आपको कभी क्वेश्चन दिया हो फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 2 प्लस थ्री एक्स टू द पावर 18 व्हेन x इक्वल टू बोलो 1/6, तो क्या होगा? आप सीधा यूज करना, अब मैं ये समझाने के लिए लिखता हूं, आप डायरेक्ट यूज करना n माइनस r प्लस वन, अब डायरेक्ट 19 लिख सकते थे पर अभी समझाने, अपॉन बोलो आर इन टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यस और नो? अब आप ऐसा बोलते 19 माइनस आर अपॉन आर, एक्स की जगह क्या रख देते 1/6, तो ये 1/6 कैंसिल होता तो 1/2, तो ओवरऑल कितना आता, ये स्टेप्स कम से कम लिखना है, तो 19 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4r, तो 5r लेस देन इक्वल टू 19 देन r लेस देन इक्वल टू 3 point something, यस और नो? यस और नो? अब दो पॉसिबिलिटीज होंगी, ध्यान रखना, हो सकता है r यहां कंप्लीटली डिविजुअल हो सकता है फ्रैक्शन आए। अगर r, देखो अभी मैंने नॉर्मली बोला था ना, इवन पावर पे एक ग्रेटेस्ट टर्म मिलता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं, और ऑड पावर पे नॉर्मली दो मिलते हैं, पर वो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म का अंदर था, उनकी वैल्यू भी बिल्कुल सेम होती है, ऐसा नहीं है कि वो दोनों की अलग अलग हो, मिडिल टर्म में अलग अलग हो सकती है, इसमें सेम होती, तब समझो आर लेस देन इक्वल टू क्या आया 3 point something। तो अगर ये फ्रैक्शन में आए तो इसका इंटीग्रल पार्ट कंसिडर करेंगे, तो क्या लेंगे ओनली 3। तो अगर ग्रेटेस्ट टर्म बोला होता तो आप क्या बोलते, क्या बोलते 4 टर्म, 4th के ऊपर मॉड भी लगाया जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल वर्ड यूज करते हैं, और अगर वैल्यू पूछी होती तो वैल्यू निकालना आता आपको, आप निकाल देते 18 सी 3 2 की पावर 15 3 एक्स की पावर बोलो 3, और x की जगह क्या रख देते, डिपेंड ऑन क्वेश्चन और ऑप्शन। अब दूसरी बात देखो, हम रिवीजन कर रहे हैं, टाइम कम है तो हम ज्यादा एग्जांपल्स नहीं ले सकते, पर एक एक चीज से समझते चलो। मान लो कि ये सॉल्व होके ऐसा ही आता,
या सॉल्व होके ऐसा आता, तो अगर ये कभी भी इंटीजर आए, रिमेंबर अगर ये फ्रैक्शन आए तो एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, पर अगर ये इंटीजर आए तो दो होंगे। कौन कौन से? जैसे मान लो लेस देन इक्वल टू थ्री आता तो थ्री या थ्री से कम, तो कौन कौन से होते? टू एंड थ्री। मान लो सॉल्व होके क्या आता, लेस देन इक्वल टू टेन, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन कौन से होते? टेन और नाइन। बात समझ में आ रही है? टेन और नाइन। अगर मान लो कि ये सॉल्व होके आता लेस देन इक्वल टू सिक्स, तो बोलो सिक्स और आर की ये वैल्यू होती तो टर्म कौन से होते? मान लो तो आर सेवन और वो मॉड के अंदर लिखा होगा, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, कोई एक की निकाल दोगे दूसरे की आगे। मान लो नाइन और टेन होता तो क्या लिखते बेटा? टेन और इलेवन। पर कब? कब? जब आर इंटीजर हो, फ्रैक्शन हुआ। अब लेस देन इक्वल टू थ्री पॉइंट एक्स मतलब थ्री पॉइंट जितना भी है, तो आर फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, इसलिए इस समय एक ही लेते हैं। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में केयरफुल रहिएगा बहुत अच्छे से कि क्या फॉर्मूला हुआ, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। इसका जो ट्रिक फॉर्मूला जिससे डायरेक्ट आर निकलता है उसमें भी उतना ही टाइम लगता है, पर उसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं हमेशा ये वाले फॉर्मूले से करवाता हूँ। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा वहाँ ट्रिक यूज नहीं करो, कंसेप्ट यूज करो, कंसेप्ट कभी फेल नहीं हो सकते। क्लियर है? नोट करो, एग्जैक्टली सेम होगी, कुछ नहीं, सब मिला के वो सेम होगी। वो भी समझा देता हूँ आपको, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर ए बी, वो मिडिल टर्म में पड़ता है, इसमें नहीं होगा, इसमें क्योंकि ये भी रखा। जब भी मैं अभी एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? पहले ये क्लियर है। अब मान लो अब आपने पूछा है तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया होता, लिखिए आप 3 प्लस 4x टू द पावर 7 व्हेन x इक्वल टू 1/2 फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है। अब आप बताओ क्या करते, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते n माइनस आर प्लस 1, मेंटली कोशिश करा करो, 8 माइनस आर अपॉन आर इंटू सेकेंड टर्म 4x अपॉन 2, तो 2/3। ये स्टेप डायरेक्ट क्लियर है? यस और नो? तो ये मिलता कितना, 16 माइनस 2r ग्रेटर देन इक्वल टू 3r, तो ये कितना हो गया 5r लेस देन इक्वल टू 16। अभी मेंटली दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, इसलिए 5 पॉइंट समथिंग, तो इसमें एक ही मिलेगा, कौन सा? सिक्स टर्म। हाँ सॉरी 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 3 पॉइंट समथिंग, तो 4 3, तो कौन सा टर्म आएगा? 4। पर जब अभी मैं मेंटली दे रहा हूं, अभी कुछ अपन बुक के क्वेश्चन देखेंगे तो आप चिंता मत करो, वो दो ही टर्म मिलेंगे अगर कहीं पे हो रहे होंगे तो। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर मान लो यहां पर माइनस हुआ तो दो ग्रेटेस्ट टर्म मान लो मिल रहे होंगे, तो एक प्लस एक माइनस, लिए न्यूमेरिकल वर्ड यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। देखो यहां पे पावर ऑड है, फिर भी ये हमारे को एक ही टर्म मिला, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ये क्लियर है बात? तो अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कभी दो होंगे तो अपने आप आ जाएंगी, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कोफिशिएंट्स वगैरह पे भी। कई बार आपको ऐसा मिलेगा थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म आर एन ए पी एच पी, उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले वो बताऊंगा मैं कुछ शॉर्टकट्स। अब पहले हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ये ए प्लस बी की पावर एन का एक्सपांशन है। अगर मैं ए माइनस बी की पावर एन का एक्सपांशन बोलूँ तो आप लिखते ए पावर एन माइनस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर। कभी कभी आपको इनको एडिशंस काम आते हैं इनके, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ ए प्लस बी की होल पावर एन प्लस ए माइनस बी की होल पावर एन, तो जब भी प्लस साइन होगा तो ऑड टर्म कैंसिल होंगे, तो आपको मिलेंगे टू टाइम्स ऑफ इवन टर्म। तो ए पावर एन, फिर बोलो एन सी टू
a माइनस टू बी की पावर टू एन सी फोर ए पावर एन माइनस फोर बी पावर फोर एंड सो ऑन। अगर माइनस होता ये काम आते हैं कंसेप्ट आपके, तो आप बोलते टू टाइम्स ऑफ ऑड टर्म, तो आप बोलते एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री बी क्यू एन सी फाइव ए पावर एन माइनस फाइव बी पावर, है ना, क्लियर। अब इन्हीं में इन्हीं फॉर्मूले में जो आगे चल के आपके बहुत यूज आएंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पर वो पूरा ऑप्शन से ही होगा। प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा ऑप्शन से करना है, बाकी उसमें इंटीग्रल डिफरेंशिएशन यूज होती है, पर हमारे पास टाइम लिमिटेड है और कॉम्पिटेटिव हिसाब से देखें तो सजेशन यही है कि उसमें आप सीधे कंसेप्ट यूज करें। अब सपोज ये क्वेश्चन फॉर्मूला एक्सपांशन का मैं 1 प्लस एक्स पावर एन कर दूं तो क्या होगा, आगे चल के एनी इंडेक्स में यही वाला कंसेप्ट काम आएगा। तो 1 प्लस एक्स पावर एन की अगर बात की जाए, 1 प्लस एक्स की पावर अगर एन की बात की जाए तो क्या होगा, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू एक्स हो गई, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एन सी फोर एक्स फोर, है ना। बीच में चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो एन सी आर एक्स पावर आर एंड एक्स पावर एन, क्लियर है बात। मतलब आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि आगे जाके कंसेप्ट भी काम आएंगे, इनफैक्ट ये फॉर्मूले भी हमारे लिए बहुत काम में आने वाले हैं। अब अगर यहां पर x माइनस कर दें तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स पावर n, 1 माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब माइनस एन सी फोर प्लस एन सी फोर एक्स पावर, आगे माइनस आएगा। इनको भी एड सब्ट्रैक्ट कर लें, ये यूज में आएंगे आपके कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस के हिसाब से। ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ प्लस है तो वन प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, वन प्लस एक्स में एक इंपॉर्टेंट बात है, जो आर का नंबर है वही एक्स का पावर भी है, क्लियर है। तो टू टाइम्स ऑफ एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस बोलो नेक्स्ट टर्म एन सी फोर एक्स पावर फोर प्लस एन सी सिक्स एक्स पावर सिक्स एंड सो ऑन। मान लो ये ऐसा होता है, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स पावर एन तो क्या होता, 2 टाइम्स ऑफ एन सी वन एक्स एन सी थ्री एक्स क्यूब एन सी फाइव एक्स पावर फाइव एंड सो, क्लियर है बात। अब यहीं से हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पे मूव करेंगे। राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो बताता हूं। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं बाइनोमियल प्रॉपर्टी की बात। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए सुनिए पहले एक बात, जब भी आपसे अक्सर सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाता है, ये पूरा ऑप्शन पे बेस्ड है। आप सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो देते हो वो ऑब्जेक्टिव देते हो, आपको 100% ऑप्शन हेल्प करेंगे, पर मेथड भी बताता हूँ लॉजिक भी बताता हूँ। सबसे पहले इस फॉर्मूले में एक चीज़ याद रखिएगा, अक्सर जब हम प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करते हैं तो एनसीआर की शॉर्ट फॉर्म होती है सीआर, यानी कभी अगर ऐसा लिखा दिखो तो सी टेन, तो मैं इसको ऐसा भी समझ सकता हूँ, या मान लो सी ट्वेल्व, तो बाय डिफॉल्ट, बाकी इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता टू एनसीआर को हम सीआर नहीं लिखेंगे, या तो मेंशन करना पड़ेगा नहीं तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर सी ट्वेल्व हो सकता है 24, नो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो एनसीआर के लिए ही शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है, पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको भी कंफ्यूजन, तो अब एक बात याद रखिए, वैसे तो मेंशन भी करते हैं वो। अब जैसे अगर इसमें हम देखें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, वन यानी सी जीरो है एक्चुअल में ये, फिर बोलो सी वन एक्स सी टू
अब देखिए, जब भी आपसे कभी सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाए, जो पूछा जाता है, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब इन कोफिशिएंट के सम की बात कर रहे हैं ना, C0, C1, C2, इसकी बात कर रहे हैं ना, क्यों? तो अगर इसको मुझे ऐड करना है तो x अगर नहीं होता तो ऐड हो जाता, तो x को कैसे रिमूव कर सकते हैं? इस सिंपल, x के प्लेस पे क्या पुट कर दो, 1। अगर मैं x के प्लेस पे 1 पुट कर दूं तो ये हो गया 2n, यहां जहां जहां x आ रहा है वहां 1, तो अपने आप ही सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया। तो C0 ये फॉर्मूला भी है, C1, C2 या परमुटेशन में भी बहुत यूज करते हो, यानी C0 से CN तक के समेशन को हम क्या बोलते हैं, 2n। क्लियर है बात? सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का सीधा लॉजिक है। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए आप, जैसे C0 की वैल्यू आपको कई बार आपको आता है ना क्वेश्चन, परमुटेशन में बहुत यूज आते हैं फॉर्मूले कि 6C0, 6C1 अप टू 6C6 एक बार में लिख सकते हो क्या? कई बार ऐसा होता है 10C1 से स्टार्ट करते हैं वो, तो बोलो 10C10, तो 2 माइनस 1, क्योंकि स्टार्टिंग C0 से होना चाहिए। तो अगर C0 नहीं है, C0 मतलब 1, तो C1, C2, C3 ये आपको कॉम्बिनेशन के, ये वाले फॉर्मूले सबसे ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। तो याद रखिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN 2n-1। और प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के क्वेश्चन को करने का एक तरीका ऑप्शन, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल, और एक बाइनोमियल मेथड। पर इन सब में आप किससे करोगे? हमेशा ऑप्शन से, क्योंकि आपको इंटीग्रल डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर सकते हो। अब देखिए, यहां पर एक चीज समझे हम कि अगर अभी आपने एक्स के प्लेस पे क्या पुट किया था, 1, थोड़ी देर के लिए मान लो -1 पुट करते तो क्या होता? अगर मैं -1 पुट कर देता तो क्या होता? ये तो 0 हो जाता, पर यहां क्या आता? C0, फिर ये जहां ऑड पावर है वो निगेटिव, -C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस माइनस, ऐसे चलता जाता। तो इवन और ऑड अलग अलग भी कर सकते हो, ऑड पूरे निगेटिव है, इवन पूरे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो C1, C3, C5 इक्वल टू बोलो C0, C2, और ये सब मिला के किसके इक्वल? 1/2, 2 पावर। अरे पूरे का समेशन 0 है, तो आधा इसका होगा और आधा इसका होगा, तो पूरे का समेशन कितना? 2n। तो इसका अकेला या इसका अकेला बोलें तो 1/2, 2 की पावर n। तो ये क्या काम आएगा? जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ 10C1, 10C3, सुनो 10C5 अप टू 10C9, अब ये सारे ऑड है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बोलो 1/2, 2 की पावर। इसको मैं 2n-1 जान करके नहीं लिखता हूँ, कि उसमें इसमें याद रखना आसान होता है, इसमें भूल जाते हैं कई बार। समझ में आया? और मान लो आपको कभी क्वेश्चन हो 12C20, 12C2, 12C4 अप टू 12C12, बोलो क्या आएगा? 1/2, 2 पावर। ये कंसेप्ट मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं अक्सर क्वेश्चंस। यस, ये क्लियर है बात? तो अगर कभी इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, एक आध दो क्वेश्चंस भी बताता हूँ, और समझिएगा आप कि इनको आप हमेशा ऑप्शन से ही करिए तो अच्छा रहेगा, टाइम भी बचेगा और जल्दी जाएगा। बाकी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रल कब करते हैं उसका भी मैं एक आइडिया दे सकता हूँ आपको। आप लिखिए क्वेश्चन जरा, C1 प्लस 2 times of C2 प्लस 3 times of C3 प्लस 4 times of C4 अप टू n times of Cn। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं वो देखिए, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है। तो ऑप्शन ए लिखिए, 2n into 2n-1 and is n into 2n+1। अब देखिए, इन क्वेश्चंस को जो भी बाइनोमियल के आए, अगर कभी भी मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है तो लॉजिकली डिफरेंशिएशन से होता है, और अपॉन में आता मान लो तो फिर इंटीग्रल से। पर इन सब से ना करके आप सीधे ऑप्शन से करो। आप n की कोई वैल्यू ले लो, यहां पर nc है मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपने n की वैल्यू 2 ली, तो जब भी आप ऑप्शन से करें वैल्यू लेके, तो आप ये ध्यान रखेंगे आप वैल्यू ऐसी लें जिससे पहली बार में ही दो ऑप्शन मैच ना करें। मान लो आप 2 लेते
तो ये होता 4 और ये भी 4 होता, तो 2 अच्छी वैल्यू नहीं है इसका मतलब, क्योंकि जब ऑप्शन से करो तो ये मत देखो राइट कौन सा है, बल्कि ये देखो 3 रॉन्ग कौन से। तो n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो ये होगा 8, ये होगा 2 into 8, 16, ये कितना होगा 2 into 2 का स्क्वायर, अरे 3 लिया है ना, हाँ तो 2 का क्यूब 8, सही लिखा है यहाँ पर 2 का क्यूब 8, 8 2 8 3, अच्छा ठीक है सॉरी 24, यहाँ पर आपने रखा 3 into 2 की पावर 2, तो 12, यहाँ पर 3 into 2 की पावर 4 16, यानी सभी ऑप्शन अलग हैं, ये वैल्यू ठीक है। तो आप जितनी लीस्ट वैल्यू लें उतना अच्छा, पर वो जो लीस्ट वैल्यू ले रहे हैं उस पर ऑप्शन मैच ना करें, नहीं तो आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, आपको फिर बाद में वैल्यू बढ़ाना पड़े उससे पहले ही, और ये सब मेंटली हो जाता है, तो समझा रहा हूँ इसलिए बोर्ड पे लिखा, आप तो मेंटली करोगे। अब आपने अगर 3 ली तो ये स्टॉप कहाँ पे होगा, 3C1 3C2, ये नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है NCR में N इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 3C1 3, 2 times of 3C2 इज ऑल्सो 3 3 3C3 इज 1, तो ये हुआ 3 + 6 + 3 = 12, यस और नो, तो सी इज अ राइट आंसर। तो इन क्वेश्चंस को हमेशा आप ऑप्शन से ही करें, आपका ऑप्शन से राइट भी होगा और टाइम भी सेव होगा। अब ये तो हुआ ऑप्शन से, अब इसी क्वेश्चन को मेथड से करना होता तो ये देखिए ये C1 है, C0 नहीं आ रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन के साथ ये दिया रहता है हमेशा ही कि ये 1 + x की पावर n में लिखा गया एक्सपांशन है, राइट। अब क्या होता कि अगर ये मान लो मेथड से करना होता तो आपको सिंपली डिफरेंशिएट कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अच्छा डिफरेंशिएट भी देख के करते हैं, देख के करते हैं मतलब यहाँ पे C3 के साथ 3 आ रहा है, C2 के साथ 2, अगर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा। मान लो कोई और टर्म होता तो हमें कॉमन लेना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सब ध्यान रखना पड़ता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रल में। अभी ये डायरेक्ट हो जाएगा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो n into 1 + x की पावर n - 1, यहां बोलो क्या C0 का 0, बोलो C1 2 times of x C2 3 times of x square, बोलो C3, यस और नो, बोलो 4 times of x³, यही मिलता। अब x के प्लेस पे क्या रख देंगे, वो सब 1 ही रखना होता है, इंटीग्रल में 0 से 1 में इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 रखा तो बोलो n 2 की पावर, ये आंसर हो गया और ये बन गया क्वेश्चन C1 2C2 3C3 4 times of C4, लाइक दिस। ये क्लियर है बात, ये हुआ पॉजिटिव इंडेक्स का बेस कवर ऑलमोस्ट। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि एपी में हो, 2 टर्म कॉन्जुगेटिव्स हो, ये क्वेश्चंस आप जब इसको अच्छे से कर लोगे तो वो भी बनने लगेंगे। अब बात करते हैं बेसिक ऑफ एनी इंडेक्स, फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा जो एडवांस पोर्शन है वो कवर करना चाहिए आपको, जिसमें कि सारे एडवांस लेवल की चीज़ कवर हो जाए। पहले हमेशा रिविजन में बेसिक, देन फिर उसका एडवांस पार्ट। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट, एनी इंडेक्स। जब हम एनी इंडेक्स की बात करते हैं तो एनी इंडेक्स का मतलब होता है कि जैसे आपको दिया हो 2 + 3x की पावर 3/4, यानी पावर कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 1 - 2x की पावर -3 हो। पर आपको एक बात पता है कि जब हम NCR पढ़ते हैं तो इसमें N और R दोनों ही क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो आप जब फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम पहले करते क्या वो बता दूं। और एक और बात, इसका कंसेप्ट एनी इंडेक्स का काफ़ी कुछ GP से मिलता है, आप GP के कंसेप्ट से भी क्वेश्चन कर सकते हो, इनफाइनाइट GP और साथ में इनफाइनाइट AG। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं इसको ऐड करो GP में, कर सकते हो? नहीं कर सकते अगर इनफाइनाइट तक गया, क्यों? आप में से कई लोग ये फॉर्मूला लगा लेते हैं फट से, a/(1 - r), a/(1 - 2), जो 1 + 2 होता है 3, 3 + 4 होता है 7, 7 + 8, और उसका आंसर क्या बोल रहा आप, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम GP पढ़ते हैं तो R की वैल्यू <1>। अगर इसका समेशन पूछा होता तो आप क्या बोलते, इन्फिनिटी ही बोलते। पर अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ये इसलिए बता रहा हूँ एन इंडेक्स का बेस ही वही है 1/2 स्क्वायर, अगर ये ऐसा होता, R क्या है, लेस देन 1, ये फॉर्मूला यूज ही कब होता है, जब R की वैल्यू
लेस देन वन हो। तो ये अगर होता तो हम इसका एडिशन कर सकते थे a अपॉन वन माइनस आर, तो वन अपॉन वन बाय टू दिस इज टू। मैं कभी आपसे बोलूं इसको ऐड करो वन प्लस टेन प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन क्यूब, अब तो इनफाइनाइट, तो आप आंसर एक सेकंड में बोल दो इनफाइनाइट, गलती से फॉर्मूला ना लगा दो, ठीक है। ये होती है मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक है। अगर ये ऐसा होता वन प्लस वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन स्क्वायर प्लस वन बाय टेन क्यूब बोलो, तो फिर ये कर सकते थे वन अपॉन वन माइनस वन बाय टेन, दिस इज टेन बाय नाइन। वैसे ही जब हम एनी इंडेक्स पढ़ते हैं तो एनी इंडेक्स के एक्सपांशन में कब वैलिड होता है वो बताता हूं, पर ये लॉजिक समझ में आया कि इनफाइनाइट जीपी, अच्छा इनफाइनाइट एजी भी मिलती है कई बार। मान लो मैं आपको बोलूं इसको समेशन करो 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 9x पावर 4 अप टू इनफाइनाइट, तो इसके समेशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a अपॉन 1 माइनस r प्लस, ये लगेंगे कंसेप्ट, अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं, तो s इनफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? तो इसमें a कितना 1, r कितना x, d कितना 5 माइनस 3, इसमें 1 3 5 7 APA 1x x स्क्वायर, वो लगा के आप फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है कि जब हम एनी इंडेक्स पढ़ते हैं तो अब कब पढ़ पाते हैं या कब ये नहीं, ये वैल्यू कम होती जा रही तो बात के टर्म छोटे हो जाएंगी, क्योंकि इसमें x जो है वो लेस देन वन है, तो लेस देन वन में पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैल्यू कम होती जाएगी। आपको पता अगर x की वैल्यू मैं बोलूं 0 से 1 है तो उसकी और जितनी पावर बढ़ाओगे वैल्यू, और मान लो x है 0.1 तो x स्क्वायर 0.01 x क्यूब, और तो बात के टर्म नेग्लिजिबल हो जाते, इसलिए ऐड कर पाते हो। तो यहां पर अब एक चीज याद रखिएगा कि जब हम एनी इंडेक्स की बात करते हैं तो एनी इंडेक्स में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो समझें। जब हम 1 प्लस एक्स का एन फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर एन सी 3 एक्स क्यूब अप टू एन सी आर एक्स पावर आर अप टू एन सी एन तक जाता है, पर अगर मैं इस एन सी आर को एक्सपांशन कर दूं तो ये मिलेगा 1, ये बहुत काम में आएगा फॉर्मूला, प्लस एन एक्स प्लस बोलो एन एन माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टुअल, ये फैक्टुअल 2 है फैक्टुअल 3 इंटू, ऐसे इसको लिखना चाहूं तो एन एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन बोलो इंटू एक्स पावर आर और आगे के टर्म। अब इसमें अगर एन बिलोंग टू रियल नंबर है और मॉड एक्स, याद रखना ये एक्स क्या हो लेस देन 1, देन यूज दिस फॉर्मूला फॉर एनी इंडेक्स, एनी इंडेक्स के लिए आप फिर यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो एक तो पहली चीज 1 प्लस एक्स होना चाहिए या 1 माइनस एक्स, एक ही जगह पे ऑलवेज 1 होना चाहिए। कई बार नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना सकते हो, है ना, पर बनाते समय यहां पर जो भी कोफिशियंट आ रहा है वो माइनस 1 से प्लस 1 में लाए करना चाहिए। कई बार आपसे पूछते हैं थ्योरम वैलिड विल बी, वो भी एक क्वेश्चन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में ही आना चाहिए। तो अब अच्छा माइनस होगा तो फॉर्मूला अलग से नहीं लिखवाऊंगा, क्या करोगे, जहां पर एक्स की पावर ऑड है वो माइनस हो जाएगा, सीधा लॉजिक है। तो आप एक सिंगल फॉर्मूले से ही टॉपिक को कवर करो। तो अब जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा होता 3 प्लस 2 एक्स की पावर 5 बाय 4, थ्योरम वैलिड विल बी, तो पहले तो क्या करना पड़ता, 3 कॉमन लेते तो 3 कॉमन लेते तो क्या होता, यस और नो, फाइनली इसको ऐसा लिख देते 3 की पावर 5 बाय 4। अभी बता दो एनी इंडेक्स में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, होल पावर बोलो। अब ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके बीच में लाया करना चाहिए, माइनस 1 से, तो फिर थ्योरम का एक्सपांशन होगा इसका, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, ग्रेटर देन 1 के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाद के टर्म बढ़ते जाएंगे, कम होने पे आगे के टर्म निग्लेजिबल होते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। जीपी के जो कंसेप्ट है वो इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवाया। अब समझो तो आप बोलोगे 2 बाय 3 एक्स बोलो लेस देन 1, यानी मॉड एक्स बोलो
लेस देन, इसको ऐसा भी लिख सकते हो माइनस थ्री बाय टू से। तो अगर कभी पूछा जाए थ्योरम वैलिड विल बी, तो या तो इस फॉर्म में आंसर होगा या इस फॉर्म में, और ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। एनी इंडेक्स के क्वेश्चन बहुत अलग टाइप के हैं, बताता हूं अभी आपको, बहुत जल्दी रिवाइज करवा दूंगा। तो माइनस थ्री बाय टू से प्लस थ्री बाय टू, एक बार पूरा बेस रिवाइज करो, कंसेप्ट रिवाइज करो, फिर उसके बाद जो एडवांस ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करो, अपने आप आपका टॉपिक पे कमांड आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ओपन इंटरवल इक्वल टू वन नहीं होता, लेस देन वन ही होता है। तो आपसे कभी भी ये पूछा जाए, फॉर्मूला एक ही याद रखना। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है 5 + 4x की पावर -3, थ्योरम वैलिड विल बी, तो क्या करोगे? 5 कॉमन लोगे, 5 की पावर -3 बोलो, और इस पूरे को क्या होना चाहिए? लेस देन 1। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं -5/4 से बोलो, अगर ये वैल्यू x की मैं रख दूं यहां तो थ्योरम वैलिड है, अदरवाइज, क्योंकि इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल रिजल्ट लेस देन 1 आएगा। क्लियर है बात? अब कुछ क्वेश्चंस भी समझाता हूं मैं। एक क्वेश्चन करिए, उससे आपको और समझ में आएगा। बेसिक क्वेश्चन है, सपोज 1 + 1/3 power 3/2 एक्सपेंड अप टू 5 टर्म। जरा इस क्वेश्चन को करिए, 1/3x, x/3 लिख लीजिए, 1 + x/3 power 3/2 एक्सपेंड अप टू 5 टर्म, यानी 5 टर्म निकालिए जरा इससे, तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। आप देखो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको एक चीज याद रखना है, ये है 1, ये है x, ये है n। आपको ये आदत होना चाहिए 1 + n x, प्लस बोलो कितना, n n-1/2 × x² राइट। फिर बोलो n n-1 n-2 / 3 × x/3 की पावर 3। फिर इसको सॉल्व करना होता है, इसको फिर आप सॉल्व करोगे, जैसे 1 + 3 से 3 कैंसिल, कितना? इसमें भी कई बार कोफिशियंट पूछ सकते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म पूछ सकते हैं, पर नॉर्मली इसमें पर्टिकुलर कोई टर्म पूछेंगे, या अभी मैं बताता हूं क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। फिर इसको सॉल्व करोगे तो बोलो 3/2 1/2 / 2 × x² / 9। फिर पूरा सॉल्व करोगे ऐसे, इसको भी सॉल्व करोगे, तो इस तरह से इसमें एक तो ये हो गया एक्सपांशन वाली चीज। दूसरी बात, कभी कभी ये फॉर्मूले डायरेक्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, कौन से? लाइक 1 + x की पावर -1, क्या होगा? 1 - x + ये डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। देखिए इनका अगर आप प्रूफ समझेंगे तो, अगर देखें इसमें सब x लेस देन 1 होता है, अगर ध्यान दें तो ये किस 1 - x + x² - x³, इसमें टर्म इनफाइनाइट तक मिलते हैं, ये जीपी है। अगर मैं चाहूं तो इसे जीपी से भी सॉल्व कर सकता हूं, कैसे? a/(1 - r), देखो क्या आ गया, दिस इज 1, ये इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्लियर और नॉट? और बाकी अगर चाहो तो इस फॉर्मूले से निकालोगे तो ये रिजल्ट आएगा, n की जगह क्या रखोगे? -1 x की जगह। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूले आपके बहुत काम में आएंगे, कई बार इसी पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हाँ, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो आए हुए पेपर में क्वेश्चन है। 1 - x / -1 बोलो, 1 + x + x + x4 + x5, देन 1 + x / -2 1 - 2x + 3x² - 4x³ + 5x^4 - ये एजी से कर सकते हो, मैंने जो अभी बताया था अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज, क्यों? 1 2 3 4 एपी है, 1 x x² जीपी है। और दूसरा तरीका ये फॉर्मूला, यहां पर एन कितना है? -2, और x की जगह x लिख सकते हो। ऐसे ही अगर ये 1 - x / -2 होता तो बोलो 1 + 2x + 3x² + 5x^4 एंड सो ऑन। बात आ रही है समझ में?
अगर यही चीज 1 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 होता तो बोलो कितना पूरा प्लस हो जाता। ये अच्छा लिख दिया था मैंने 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3, 1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस प्लस 15x पावर 4। ये पता है क्या है? ये स्पेशल अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, 1 3 6 10 स्पेशल एपी है। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 होता तो पूरे टर्म प्लस में मिल जाते। अब ये हुआ आप कई बार आपसे इस तरह का, देखो मैं बताऊं जैसे क्वेश्चन आ सकता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2 फाइंड, जैसे ये आए हुए क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, बताइए क्या करेंगे? तो आप देखिए इस क्वेश्चन में सिंपली आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर। अब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2x प्लस इसका एक्सपेंशन, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो फायदा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस, अब आपसे क्या बोला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 कब कब मिलेगा, जब इस 1 का इधर होगा कहीं मिलेगा नहीं, इस 2 का इसमें होगा, इस स्क्वायर का इसमें होगा, मिल जाएगा अगर इसके इसके साथ तो 3, इस क्यूब का इससे होगा 8 और इसका इससे होगा, मिल जाएगा तो क्या आ गया 8 प्लस 5 ये हो गया 16। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 बोलो कितना आ गया 16। ये बहुत कॉमन है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी क्यूब लिख देंगे कभी स्क्वायर। तो न्यू जैसे मान लो यहां पर क्यूब लिखा होता तो इसका तो फॉर्मूला लगा लोगे और इसका ये वाला यूज कर लेना तो आपका टाइम बच जाएगा, नहीं आएगा। यस तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि सपोज इसमें एक और टाइप है जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लो, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है इफ एक्स इज सो स्मॉल, एक्स इज लेस देन 1 या लिखा होगा एफ एक्स सो स्मॉल एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी निग्लेक्टेड, देन इस केस में आप 1 प्लस एक्स पावर एन, लिमिट में मैंने आपको ट्रिक्स बताई और 1 माइनस एक्स की पावर एन इज, ये कई बार आता है क्वेश्चन तो आप केवल यही यूज करें। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है 3 प्लस 4x की पावर 2x की पावर 2/3 1 प्लस x की पावर 5/4 अपॉन 3 माइनस 3 5 माइनस 3x की पावर 1/3 इफ x इज सो स्मॉल देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें कई बार ऐसा भी लिखा होता है a प्लस bx फाइंड द वैल्यू ऑफ ab, ना लिखा तो भी वही निकालना, लिखा तो भी क्या करोगे इसमें सिंपल, इसमें आप क्या करोगे पहले तो इसमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स बनाना बहुत जरूरी है तो क्या करोगे 3 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2/3 यहां तो है पहले से, यहां पर भी 5 कॉमन लोगे, ये क्लियर स्टेप। अब क्या क्या बचेगा देखिए, नंबर 1 3 पावर 2/3 1 प्लस 2/3 एक्स की पावर, बोलो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स इज सो स्मॉल तो 1 प्लस एन एक्स ही लिखना, तो 1 प्लस 5/4 एक्स, यहां बोलो कितना 5 की पावर 1/3 बाहर, ये बोलो 1 माइनस 3/5 एक्स की पावर, समझाने के लिए 3 स्टेप लिखिए, इसको भी ऊपर ले जाएंगे। अब बोलो 2 की पावर 2/3 5 की पावर 1/3 छोड़ दो, इसका एक्सपेंशन बोलो 1 प्लस एन एक्स 4/9 एक्स, इसका निकाल चुके 1 प्लस 5/4 इसको ऊपर ले गए, क्लियर। अब क्या करेंगे 2 की पावर ये जो भी लिखा रहें दो, मैंने मेंटली दिया क्वेश्चन, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या होगा 1 प्लस बोलो 4/9 एक्स प्लस 5/4 एक्स, इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आपस में, क्यों स्क्वायर को निग्लेक्ट करना है स्क्वायर एंड हायर पावर को, इनटू इसका बोलो 1 प्लस 1/5 एक्स, अरे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा।
अब इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म को नहीं लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बेसिक रिवीजन किया हमने कवर, ये बाइनोमियल का एक बेसिक रिवीजन, पॉजिटिव इंडेक्स का और एनी इंडेक्स का। अब आपका काम है कि आप पूरी प्रॉपर्टी जो स्टैंडर्ड है वो और जो आए हुए क्वेश्चन से प्रीवियस के वो सॉल्व करोगे, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर है ना बात, नोट कर लो। ये फिर समझ लो, ये तो मैंने मेंटली दिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें केवल इतना करना है कि आपको अगर कभी बोला जाए इफ एक्स इज सो स्मॉल या लेस देन वन, तो वन प्लस एक्स पावर एन को वन प्लस एन एक्स लिखते हैं और वन माइनस एक्स पावर एन को वन माइनस एन एक्स, हायर पावर को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जैसे अगर कभी अलग से समझो, मान लो ये अगर अकेला दिया होता तो पहले तो ये वन प्लस एक्स बनाना जरूरी है, तो थ्री पावर टू बाय थ्री अलग। अब आप इसको केवल इसका एक्सपांशन इतना सा होगा क्या, वन प्लस एन एक्स, बस खत्म। एन एक्स ये है और एन ये है, वन प्लस एन एक्स, माइनस होता तो वन माइनस एन एक्स, बस खत्म। क्लियर है बात। ये टू नहीं है, ये थ्री कॉमन है ना, थ्री की पावर टू बाय थ्री,